दोस्तों, यूएस और चाइना के बीच जिस तरह से टेंशन एस्केलेट हो रही है, इस बात की संभावना और गहरी होती जा रही है कि शायद आने वाले समय में ये दुनिया एक और कोल्ड वॉर देख सकती है जो इंटरनेशनल सिस्टम को रीशेप कर देगी। इससे पहले हमने जिस कोल्ड वॉर को विटनेस किया था, आज दुनिया उससे कहीं ज़्यादा बदल चुकी है। ना तो अब कॉन्फ्लिक्ट के रीजन सेम हैं और ना ही इस कॉन्फ्लिक्ट को परस्यू करने के मेथड्स। यदि रीजंस को देखा जाए तो जहां यूएस सोवियत कोल्ड वॉर मोर और लेस कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच एक आइडियोलॉजिकल बैटल थी, आज का कोल्ड वॉर एक एम्बिशन है जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए शेप किया गया है। आज के बदलते सिनेरियो में जहां एक और यूएस अपनी लेगेसी संभालने की नाकामयाब कोशिश करने में लगा है, चाइना का राइज उसके लिए हर रोज नई चुनौतियां पेश कर रहा है। दोस्तों, आज का हमारा डिस्कशन का पर्पस इन्हीं दो कोल्ड वॉर्स के बीच एक कंपैरिजन कंडक्ट करना है, जिसमें हम राइवल्स के द्वारा अपनाए गए स्ट्रेटजीज पे चर्चा करेंगे। इस वीडियो के थ्रू हम उन पहलुओं को जानेंगे जिसकी वजह से यूएस सोवियत यूनियन के अगेंस्ट कोल्ड वॉर जीत पाया था। इसके साथ हम चाइना के अगेंस्ट यूएस के पॉलिसीज के फेलियर्स को भी समझेंगे, जिससे आज का कोल्ड वॉर चाइना के पक्ष में टिल्ट होता दिखाई दे रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, आइए इस डिस्कशन की शुरुआत उन फैक्टर्स से करते हैं जिनके कारण यूएस यूएसएसआर के अगेंस्ट कोल्ड वॉर जीत पाया था। इन फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर है राइट एलाइज। दोस्तों, कोल्ड वॉर के समय यूएस एक मार्केट बेस्ड इकोनॉमी थी जो सोवियत स्टाइल सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी से ज्यादा बड़ी और डाइवर्स हुआ करती थी। इसके साथ यूएस अलाइज भी सोवियत क्लाइंट स्टेट से ज़्यादा वेल्दियर और पावरफुल हुआ करते थे। उस समय के इंडस्ट्रियल पावर के मेजॉरिटी ऑफ सेंटर्स यूएस के साथ अलाइंड थे। यदि सबको साथ मिलाकर देखा जाए तो यूएस और उसके अलाइज की जीएनपी यूएसएसआर और अलाइज की जीएनपी पे कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा बड़ी थी। यूएसएसआर के यूरोपियन प्रेजेंस और सोवियत मिलिट्री डॉक्ट्रिन के ऑफेंसिव कॉन्क्वेस्ट का फ़ायदा उठाकर यूएस ने कई नॉन कम्युनिस्ट देशों को अपने साथ खड़ा कर लिया था। कम्युनिस्ट राइवल्स के बीच डिवाइड एंड रूल पॉलिसी प्ले करते हुए यूएस ने कम्युनिस्ट चाइना को भी अपने ब्लॉक में इंटेग्रेट कर यूएसएसआर को फर्दर आइसोलेट कर दिया था। इन राइट अलाइज ने ओवरऑल यूएसएसआर के अगेंस्ट माउंटिंग प्रेशर में अहम भूमिका निभाई, जिसके कारण यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन सक्सेसफुल हो पाया। दोस्तों, इस कॉन्फ्लिक्ट का दूसरा फैक्टर है साइंस टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में यूएस द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट। दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इकोनॉमी होना यूएस के लिए एक इनॉर्मस एसेट था। यूएस ने इस इकोनॉमिक ग्रोथ के एक मेजर चंक को साइंस टेक और एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, जिसके कारण यूएस को सोवियत के अगेंस्ट कई इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस मिले। कई इनिशिएटिव्स जैसे नेशनल डिफेंस एजुकेशन एक्ट ऑफ 1958 ने न सिर्फ साइंटिफिक और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट में एक न्यू रिनेसेंस लाने का रोल प्ले किया, बल्कि फॉरेन लैंग्वेज और कल्चरल स्टडीज़ के थ्रू यूएस डिफरेंट रीजन्स के लिए अप्रोप्रिएट पॉलिसीज डेवलप कर पाया, जिसने कोल्ड वॉर को जीतने में अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, इसके साथ ग्रेटर ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ने यूएस को कई इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस प्रोवाइड किए। यूएस जहां एक और ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए एनवायरनमेंट में प्रॉस्पर कर रहा था, यूएसएसआर फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट फ्लैग बेयरर का काम कर रहा था। एक इकोनॉमिक इनएफिशिएंट स्टेट जिसने कई कैटास्ट्रॉफिक फेलियर्स विटनेस किए, चाहे जैसे अफगान कैंपेन या चेर्नोबिल डिजास्टर। फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन के ऊपर रोक लगाना लॉन्ग रन में एक सीवियर हार्म था। इस अप्रोच ने न सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने यूएसएसआर की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज किया, बट खुद के सिटीजन्स के सामने भी ट्रुथ का सोल इंटरप्रेटर बनना यूएसएसआर के फॉल के लिए कैटास्ट्रॉफिक रहा। दोस्तों, यूएस के जीतने का अगला फैक्टर था यूएसएसआर के साथ रोप ए डोप स्ट्रेटजी। मिड 1950s में यूएस का वर्ल्ड वॉर के मेजर इंडस्ट्रियल पावर्स के साथ अलाइनमेंट ने सोवियत यूनियन और उसके क्लाइंट्स को प्रोडक्टिव कैपेसिटी, मिलिट्री पावर, वेल्थ और पब्लिक लेजिटिमेसी में आउटस्ट्रिप कर दिया था। इसे काउंटर करने के लिए यूएसएसआर द्वारा किए जाने वाले स्पेंडिंग्स उसके डाउनफॉल का कारण बनी। यूएस को अपोज करने के लिए सोवियत यूनियन द्वारा डिपेंडेंट एलाइज को कैरी करना और कॉस्टली वॉर्स लड़ना उसे बैकफायर किया। इस एफर्ट में यूएसएसआर द्वारा अफगानिस्तान इन्वेजन उसके कोलैप्स के पीछे एक अहम कारण था। इस दौरान यूएस ने छोटे गेंस के लिए यूएसएसआर को सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज स्पेंड करने को मजबूर किया, जिससे उसका डिसइंटीग्रेशन और स्पीडअप हो गया। ऑल्दो यूएस ने भी सिमिलर एफर्ट्स लगाए, लेकिन हमें इस बात को समझना चाहिए कि यूएस की इकॉनमी यूएसएसआर के कंपेयर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और उसके अलाइज यूएसएसआर अलाइज की तरह
बर्डन नहीं थे। ये स्ट्रेटजी यूएस पर्सपेक्टिव से एक स्मार्ट मूव था। यूएसएसआर का यूएस स्ट्रेटजी में एल्योर हो जाना उसके हार का बड़ा कारण बना। दोस्तों, इन फैक्टर्स में सबसे क्रिटिकल फैक्टर है नाइस कंट्रीज फिनिश फर्स्ट। यूएस ने पूरे कोल्ड वॉर के दौरान अपनी इमेज को एक ऐसे देश का बनाए रखा जो फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स और पॉलिटिकल वैल्यूज का सपोर्टर है। इस जेस्चर के तहत यूएस ने हमेशा अपने एलाइज और फॉरेन काउंटर पार्ट्स को रिस्पेक्ट से ट्रीट किया। मल्टीपल ओकेशंस पे यूएस एलाइज ने अपने एक्शन से यूएस की प्लानिंग को चैलेंज किया, बट यूएस ने अपना टॉलरेंस बनाए रखा। फ्रेंच प्रेसिडेंट चार्ल्स डे गोले ने यूएस प्रेसिडेंट्स को एक से ज्यादा ओकेशंस पे इरिटेट किया, बट शायद ही किसी यूएस ऑफिशियल ने उन्हें पब्लिकली डिनाउंस किया हो। यूएस ऑफिशियल्स इस बात को जानते थे कि अपने पार्टनर को ह्यूमिलेट करने से वेस्टर्न यूनिटी अंडरमाइन होगी, जो यूएस इंटरेस्ट के खिलाफ है। वहीं दूसरी ओर कम्युनिस्ट वर्ल्ड रिजेंटमेंट और एनिमोसिटी का केंद्र बना रहा। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ही यूगोस्लाविया के मार्शल टिटो और सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन एक दूसरे से दूर हो गए। सिमिलरली सोवियत प्रीमियर निकिता ख्रुश्चेव और चाइना के माओ के बीच डिफरेंसेस को लेकर 1950s में दूरी देखी गई। ये डिफरेंस 1969 में सोवियत और चाइनीज ट्रूप्स के साथ उसूरी रिवर के पास क्लैश के रूप में नजर आई। इसके बाद यूएसएसआर ने चाइना के अगेंस्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक की धमकी भी दी। वॉर्सॉ पैक्ट के अंडर भी रिलेशन हार्मोनियस नहीं थे और यूएसएसआर को ईस्ट जर्मनी, हंगरी और चेकोस्लाविया में इंटरवीन करना पड़ा। इन डिफरेंसेस ने लैक ऑफ ट्रस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एम्स और लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी को जन्म दिया, जो यूएसएसआर के डाउनफॉल का कारण बना। तो दोस्तों, ये थी कहानी यूएस सोवियत कोल्ड वॉर की, जिसमें यूएस की जीत हुई। लेकिन अब यूएस का सामना है चाइना से, जो यूएसएसआर के कंपेयर्ड एक टोटली डिफरेंट प्लेयर है। चाइना ने यूएस के आगे ऐसे चैलेंजेस रखे हैं जो ना सिर्फ यूएस स्ट्रेटजी के लिए बियॉन्ड लीक से नजर आ रहे हैं, बल्कि यूएस स्ट्रेटजिस्ट ना उसे समझ पा रहे हैं और ना ही कोई हल निकलता नजर आ रहा है। आइए अपने नेक्स्ट सेक्शन में चाइना द्वारा यूएस के अगेंस्ट लिए गए स्टेप्स को डिकोड करते हैं। दोस्तों, इस कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका द्वारा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को अपना स्ट्रेटजिक कॉम्पिटिटर मानना सबसे बड़ी स्ट्रेटजिक मिस्टेक है। सुन ज़ू और कार्ल वॉन द्वारा जियोपॉलिटिक्स का सबसे ओल्डेस्ट रूल है नो थाइन एडवर्सरी। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर एवरिल हेन्स का मानना है कि चाइना यूएस की सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी और कई वैल्यूज के लिए थ्रेट है। यदि चाइना के स्टैंड्स को एनालाइज किया जाए तो एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइना ने कभी अमेरिकन प्रॉस्पेरिटी को चैलेंज नहीं किया है, बल्कि उससे फायदा उठाकर चाइनीज इकॉनमी को प्रोपेल किया है। अमेरिकन इकॉनमी को ही अपना लोकोमोटिव बनाकर चाइना 1980 में जहां अमेरिकन इकॉनमी का 1/10 हुआ करती थी, 2014 में परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस पे अमेरिकन इकॉनमी से बड़ी बन गई है। चाइनीज अप्रोच को समझा जाए तो यदि अमेरिका आज कोई ऐसी डील प्रपोज करता है जिससे अमेरिकन इकॉनमी के साथ चाइना को भी फायदा हो, तो चाइना इस डील को एंथुसियास्टिकली एम्ब्रेस करेगा। अमेरिकन प्रॉस्पेरिटी चाइना के लिए एक एसेट है, ना कि लायबिलिटी। दोस्तों, चाइना ने कभी अमेरिका को किसी भी मिलिट्री इन्वेजन की धमकी नहीं दी है, ना ही चाइनीज इंटरेस्ट से बियॉन्ड जैसे मिडिल ईस्ट में अमेरिकन मिलिट्री सुप्रीमेसी को चैलेंज किया है। जब यूएस मिडिल ईस्ट में अपना फोकस जमा रहा था, इस समय को चाइना ने अपने मिलिट्री मॉडर्नाइज करने में लगाया। यूएस के पास चाइना के कंपेयर्ड 20 टाइम्स ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। यूएस के 11 पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के अगेंस्ट चाइना के पास लेस एडवांस्ड 2 कैरियर्स हैं। ओवरसीज बेसिस में जहां यूएस के पास 800 बेस हैं, चाइना के पास केवल 3 बेस हैं। चाइनीज डिफेंस बजट $200 बिलियन है, जो यूएस के डिफेंस बजट का 1/3 भी नहीं है। दोस्तों, यदि किसी को लगता है कि चाइना अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है, तो ये गलत है। चाइनीज स्ट्रेटजिक प्लानर्स इस बात से ज्यादा खुश हैं कि यूएस अननेसेसरी वॉर्स और डिफेंस बजट में इतने पैसे खर्च कर रहा है, जिसे शायद एजुकेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट में यूज कर सकता है। दूसरी ओर चाइना अपने एजुकेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट में एक मास चंक इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे वो अपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी से यूएस रिसोर्सेज को फर्दर ड्रेन कर सके। दोस्तों, इसके साथ हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि चाइना अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को एक्सपोर्ट करने के पक्ष में नहीं है, बल्कि वो चाइनीज सिविलाइजेशन को रिजुविनेट कर रहा है। अमेरिकन्स को यूं लगता है कि यदि चाइना वर्ल्ड का नंबर वन इकोनॉमिक पावर बन जाएगा, तो वो अमेरिका की तरह अमेरिकन मॉडल एक्सपोर्ट करने लगेगा। ये अमेरिका का सबसे बड़ा इग्नोरेंस है। जहां एक और अमेरिका ये मानता है कि कोई भी बदलाव के साथ अमेरिकन बन सकता है,
चाइनीज का मानना है कि केवल चाइनीज लोग ही चाइनीज बन सकते हैं। इसके अलावा यूएस की ये मान्यता कि चाइना दूसरे देशों को भी ऑटोक्रेटिक बनाना चाहता है, जो कि चाइनीज स्ट्रेटजी के बिल्कुल विपरीत है। चाइना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले देश की पॉलिटिकल थॉट क्या है। यदि कैपिटलिस्ट यूरोप या डेमोक्रेसी के बर्थ वाला ग्रीस चाइनीज इंटरेस्ट के लिए वाइटल है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड रख चाइना उनसे इकोनॉमिक रिलेशंस बनाने में कोई संकोच नहीं करेगा। दोस्तों, इस जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्ट का अंत एयरक्राफ्ट कैरियर्स या न्यूक्लियर वेपन से ना होकर इकोनॉमिक टर्म्स में होगा। वो देश जो इकोनॉमिक टर्म्स में नीचे की 50% पॉपुलेशन को बेटर ट्रीट कर पाएगा, अल्टीमेट विक्ट्री उसी की होगी। आज चाइना यूएस के अगेंस्ट इस डोमेन में बहुत आगे निकल चुका है, जैसे शायद कोल्ड वॉर के दौरान यूएस यूएसएसआर से आगे निकल गया था। इसके अलावा यूएस के इंटरनेशनल डोमेन में बदलते हुए अप्रोच ने भी दुनिया भर में यूएस के चेंज परसेप्शन को शेप दिया है। पेरिस क्लाइमेट एकॉर्ड्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे मल्टीलेटरल एग्रीमेंट को छोड़ देना, फ्रांस और जर्मनी जैसे अलाइज को छोटे नज़र से देखना, साउथ कोरिया और जापान से प्रोटेक्शन के अगेंस्ट ज़्यादा पैसों की डिमांड, या इंडिया जैसे फ्रेंडली कंट्री से H-1B वीज़ा विदड्रॉ करना, इन सारे स्टेप्स ने यूएस की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाए हैं। दोस्तों, कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन के अगेंस्ट ज़्यादातर कंट्रीज़ ने यूएस का साथ दिया था, लेकिन इसके विपरीत आज अमेरिका और चाइना के बीच के कॉन्फ्लिक्ट में वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं। इसके कई एग्जाम्पल्स देखे जा सकते हैं। जब यूएस ने ईरान के साथ साइंड ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से खुद को बाहर कर लिया, यूरोपियन यूनियन के देशों ने यूएस का इसमें समर्थन नहीं किया। वहीं दूसरी ओर चाइना ने जब ईरान के साथ मार्च 2021 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया, दुनिया के किसी देश ने इसका वो विरोध नहीं किया जिसकी यूएस को उम्मीद थी। ऑल्दो यूएस और दूसरे देश चाइना की कई एग्रेसिव पॉलिसीज जैसे साउथ चाइना सी, ताइवान, उइगुर मुस्लिम्स के अगेंस्ट खड़े दिखते हैं, लेकिन यदि ग्राउंड स्टेटस की बात की जाए तो शायद हमें कोई कॉन्क्रीट चैलेंज देखने को नहीं मिलेगा। ना ही ताइवान के कॉज को लेकर किसी देश ने चाइना से अपने संबंध बदले। आसियान समेत किसी देश ने साउथ चाइना सी के अग्रेशन की वजह से चाइना को आइसोलेट करने का प्रयास किया। या शिनजियांग प्रोविंस की बात की जाए तो उइगुर मुस्लिम्स के डिटेंशन के अगेंस्ट कुछ इस्लामिक कंट्रीज ने वर्बल कंडमनेशन तो किया, बट चाइना के अगेंस्ट इकोनॉमिक या डिप्लोमेटिक रिलेशंस में कोई चेंज विटनेस नहीं किया गया। इवन ऐसी पॉलिसीज के बाद भी तालिबान जैसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के लिए चाइना आज एक फेवरेबल पार्टनर की तरह उभर कर सामने आया है। यूएस द्वारा COVID-19 ओरिजिन को लेकर भी चाइना को आइसोलेट करने के प्रयास नाकाम रहे। दोस्तों, 2009 में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जब मेक्सिको विजिट पे थे तब उन्होंने एक बात कही थी। फर्स्ट, चाइना डज नॉट एक्सपोर्ट रिवॉल्यूशन। सेकंड, एक्सपोर्ट पॉवर्टी एंड हंगर। थर्ड, कॉज ट्रबल्स फॉर यू। जहां एक और यूएस चाइना के अगेंस्ट अपनी स्ट्रेटजी शायद इन्हीं कहे गए वर्ड्स के अगेंस्ट बना रहा है, चाइना ने प्रैक्टिकली अपने इन वर्ड्स को एक्शंस और जेस्चर्स से इम्प्रूव किया है। आने वाले समय में यदि यूएस खुद को चाइना के अगेंस्ट सक्सेसफुली पोल्ड करना चाहता है तो उसके लिए सबसे अहम है चाइना को यूएसएसआर 2.0 समझना बंद करना। चाइना आज यूएसएसआर 2.0 नहीं बल्कि एक पोस्ट मॉडर्न कॉलोनियल पावर है जो इकोनॉमी के बेसिस पे पूरी दुनिया को अपनी ओर टिल्ट करने में कामयाब हो रही है। यूएस को ज़रूरत है कि चाइना के डेड ट्रैप पॉलिसी को काउंटर करने के लिए मैकेनिज्म ढूंढे, ना कि उसे एक मिलिट्री चैलेंजर की तरह डील करें। दोस्तों, इस मॉडर्न कोल्ड वॉर को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।